अग्नि में लाल मिर्ची डाल दीजिए, पूरे मोहल्ले को खुश कर देगी। अभी क्या है, वो घी का जो विज्ञान है ना, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसीलिए लाल मिर्ची का नाम लिया साथ में, क्योंकि लाल मिर्ची से घी समझ में आया आपको कि सच कह रहे महाराज, अग्नि में डालने से सब चीज बढ़ जाती है। कुछ भी डाल दो आप अग्नि में, सोना डाल दीजिए वो भी बड़ा हो जाता है, सोना अग्नि में तपा दीजिए और आप उसे फिर कितना भी लंबा कर लीजिए, लोहा 2 फुट की छड़ी हो अग्नि में डाल दीजिए 8 फुट की बना लीजिए उसको, अग्नि हर चीज को बढ़ाता है। इसलिए सुबह सुबह उठ के नहा धो के थोड़ा सा अग्नि जला के गाय के गोरी में गाय के घी की 10 आहुति लगाइए, और जिससे घर में भोजन पकता है उसमें से थोड़ा अनाज वो भी अग्नि में चढ़ाइए, फिर देखिए घर में कैसा स्वास्थ्य होगा सबका, सब लोग निरोगी होते चले जाएंगे धीरे धीरे, किसी को बुखार नहीं आएगा, किसी को टेंशन नहीं, मच्छर घर में रहेंगे पर मलेरिया नहीं होगा किसी को, कारण कारण अरे भोजन शुद्ध हो जाता है। और जब भोजन शुद्ध होता है तो जो रोटी हम खाते हैं वो प्रसाद बन जाती है अग्नि देवता में चढ़ा के, उससे इम्यूनिटी पावर ऊर्जा आत्मिक बल आता है, और जिसमें इम्यूनिटी पावर अधिक होती है उसको मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता। मच्छर तो सबको काटते हैं पर सबको थोड़ी होता मलेरिया, जिनकी पावर कम होती है अंदर से, क्षमता कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर, बस उनको रोग लग जाता है, मच्छर अटैक करता है और वो विष सहन नहीं होता, इसलिए बुखार आ जाता है। उसको बुखार को दूर ही रहने दो, उसके लिए शुद्ध भोजन करना, यज्ञ करके, जैसे भगवान कृष्ण यज्ञ करके भोजन करते थे, भगवान राम यज्ञ करके भोजन करते थे, कल्कि औरत अनसुईया यज्ञ करके भोजन करती थी, इसीलिए अजन्मा स्वस्थ रही, अजन्मा निरोगी रही, और इतनी महान कि ब्रह्मा विष्णु तरस गए उन्हें माँ बनाने के लिए महाराज, और हम लोग तरस रहे खुद माँ बनने के लिए, और उधर भगवान विष्णु तरस गया उनको माँ बनाने के लिए, मेरी माँ बनना चाहिए, मेरी माँ बनना चाहिए, क्योंकि जो सत्कर्म करते हैं उनको सब चाहते हैं, सारे देवता चाहते हैं। और कान खोल के सुनिए, भगवान राम की कृपा जिन पर है उन पे दुश्मन की भी कृपा बनी रहती है, और राम जिससे कृपा हटा लेते हैं उससे अपने प्यार वाले भी दुश्मन हो जाते हैं, प्यार वाले भी दुश्मन हो जाते हैं, कब, जब राम कृपा हटती है तब, और जब राम कृपा होती है तो दुश्मन भी चरणों में आ जाता है, सेवक बन जाता है, दास बन जाता है। अदिति माता पति देव के पास में गई और जाके प्रार्थना करते हैं, मैं तो माँ हूं, मैं बच्चों का भूखा प्यासा जीवन नहीं देख सकती, आप कुछ करिए, आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप मेरे बच्चों को दृष्टि भर देख भर लोगे तो भी मेरे बच्चों का गरीबी दूर हो जाएगी, आप मेरे बच्चों के लिए कोई आशीर्वाद करो, कोई उपाय करो, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई व्रत बताओ जो मैं कर सकूं जिससे मेरे बच्चों की गरीबी दूर हो जाए, ये माँ कह रही है महाराज। और याद रखिए, एक भी बेटा ऐसा नहीं है जो ज्योतिष के पास जाकर माँ के बारे में पूछता हो कि मेरी माँ खुश कब होगी, और ये जितनी माएँ हैं ना ये सब पूछती अपने बेटों के बारे में, कब पढ़ाई पूरी होगी, कब नौकरी लगेगी, मेरा बच्चे को कब शादी होगी, कब मुझे बेटे को बेटा होएगा, मेरा बच्चा बीमार है, हमेशा खाता नहीं पीता नहीं, महाराज कब ठीक होएगा, माँ को पड़ी रहती है। पर एक भी श्रवण कुमार तुमने पैदा ही नहीं किया जो पंडित जी को पूछे कि मेरी माँ का घुटना का दर्द कब जाएगा। अभी बताओ, अब इसमें मेरा तो दोष नहीं है, सारा माल तुम्हारा ही है, हैं? तुमने ही तो पैदा किया है। द्वैतानुगते प्राण मूलम, आज प्राणों पे आ पड़ी तो मैया रोने लगी,
ऋषि से प्रार्थना करती है। पिता तो कठोर हृदय के थे, औरत को भी डांट दिया, बट अब क्या रखा है मेरे पास, जो था सब तो दे दिया मरने से पहले ही। फिर भी नहीं गई, उन्हें विश्वास था मेरे पति बड़े तपस्वी, सारी दुनिया उनके चरणों में आकर के धन्य हो जाती है, तो अपनी औलाद को धन्य क्यों नहीं करेंगे। अंत में महर्षि कश्यप कहा, देवी मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास में सिर्फ अब भक्ति बची है, और भक्ति किसी को बांटी नहीं जाती है, वो तो खुद की संपत्ति होती है। इसीलिए विद्या और राम नाम का जाप, इसे कोई नहीं बांट सकता, इसे चोर भी नहीं चुरा सकते, ये खाता सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम का है, और यही हमारा हमारी मदद करता है हर जगह पर महाराज। याद रखें, सोने चांदी हीरे मोती से खरीद के ईंट पत्थर लाए गए, पर समुद्र में एक ने भी राम की मदद नहीं की। राम का नाम लिखकर पत्थर डाले गए तो सब तैयार हो गए राम जी की मदद के लिए महाराज। इसीलिए बड़ी महिमा है नाम की, भगवान के जाप की, प्रशंसा की, स्तुति की। जीवन में अवश्य करो ये काम, भाई गुरु नहीं है जीवन में कोई बात नहीं है, और या तुम्हारे मन पसंद तुम्हारे हृदय में बैठा गुरु आया नहीं अभी तक, कोई बात नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा किसी गुरु को चाहेगी, पसंद करेगी, तब गुरु कर लेना, पर तब तक राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, है इकट्ठा तो करो। जब जीवन में जब गुरु आएंगे तब इस राम नाम का फल आ जाएगा, क्योंकि बिना गुरु बनाए फल नहीं आता है भक्ति का, गुरु बना के ही फल आता है, सत्कर्म का, दान का, पूजा का, यज्ञ का, सत्यनारायण की कथा का भी फल तब ही मिलता है जब गुरु कर लिया हो। बिना गुरु किए कोई फल नहीं मिलता सत्कर्म का। इसीलिए थोड़ा सा ये संसार का झूठापन छोड़ के गुरु करो और महापुरुषों की सेवा में जाइए। अदिति माता को महर्षि कश्यप ने ज्ञान दिया, जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। मां सब उपाय करती है अपनी औलाद के लिए, भूखी रहती है, पंडित जी बता देना कि 21 सोमवार भूखा रहना है तो मां रहेगी, पर बेटा अच्छा होना उसका। कितनी दयालु है मां, कितनी वफादार है मां, पर कभी कभी ये वफादार जो माँ है ना, ये भी शैतान बन जाती है। कब? बहुत सारी ऐसी माएं यहां भी आई होंगी जिन्होंने डॉक्टर के पास में जाकर 3 महीने की छोकरी को मरवाया होगा पैसा देके, डॉक्टर साहब 5,000 रुपए लीजिए और पेट की छोकरी को, हाँ, और जो बच्चा बाहर घूम रहा है ना उसके लिए जी जान लगाती है, प्राण डाल देती है, और पेट के बच्चे को पैसे से मरवा रही है। ये अज्ञान है, कभी कभी भूल हो जाती है, बहकावे में आ जाते हैं, ऐसा लगता है हम लोगों को, अरे ये 4 लड़की हो गई तो कैसा होगा, कैसा होगा, कैसे पढ़ोगे, कैसा होगा, कैसा होगा। अरे चिंता मत करो, जो संसार में आता है वो अपना भाग्य लेके आता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चिंता करते हो, फिक्र करते हो, अकारण ही हत्यारे बन गए। अरे जिनके पेट में कभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया उन्हें जाके पूछो बच्चे के लिए कैसे तरस रहे हैं, तुम्हें बच्चा हो रहा है तुम मरवा रहे। लोग कावा कासी हर जगह जाता है बच्चे के लिए, फिर भी नहीं फल मिलता, और तुम्हें तो मिल रहा है ना। सप्तसृंगी को पूजेंगे पर बेटी को मरवाएंगे, सप्तसृंगी वैष्णो देवी जाएंगे पर कन्या को मरवाएंगे। अरे तुम्हारी वैष्णो देवी की भक्ति सफल कैसे होगी ये तो बताओ, वो मां नहीं, उसे नहीं समझता कि तुम क्या करके आए हो। अरे वो वैष्णो देवी वहीं से देख रही है कि तुमने, एक वैष्णो देवी आई थी उसे मार दिया, तुम्हें वैष्णो देवी नहीं चलती। इसीलिए लोग पहाड़ पे से लुढ़क के मर जाते वैष्णो देवी में, वो जानती है कि ये मेरे लायक ही नहीं है, ये तो मेरा दुश्मन है,
ये तो लालची है, पंडित पुजारियों से सुन के आया है कि मैं धन से झोली भर देती हूं। याद रखिए, भ्रूण हत्या, कितना दुशास है, कितनी हिम्मत चाहिए ना मारने के लिए बच्चे को। कितनी शैतान हो जाती है वो माँ जब अपने ही बच्चे को पेट में पैसे से मरवाती है। बोलिए, पैसा भी देती है और उसको भी मरवाती है। और क्या मजाल, एक आंसू आ जाए, एक आंसू नहीं निकालती। और जो बच्चा पैदा हो गया है, बाहर आ गया है, 14 साल का, 15 साल का, अगर वो मर जाए तो महीनों तक रोती रहती है, महीनों तक रोती रहती है। वही माँ है ये, जो बाहर आ चुका है वो मर गया तो रोती है, और जो आने वाला है उसे मरवाती है तो एक आंसू नहीं बहाती है। एक ही माँ दो प्रकार के पार्ट करती है महाराज। ये संसारी, फिर भी मैं देखो कितनी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि सारी माएँ ऐसी नहीं होती। माँ माँ आखिर को माँ ही रहती है। संसार में महंगाई बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, शादियों में दहेज बढ़ गया है, इस वजह से लोग बेटी को थोड़ा सा अंदर से पसंद नहीं करते। ये प्रथा हटनी चाहिए। इतना सारा खर्चा करना ब्याह शादियों में, ये हटना चाहिए। बड़ी बड़ी मुश्किल है, है? आदमी 50 वर्ष कमाता है और एक बेटी पे खर्च हो जाता है सब, फिर से 20 साल पीछे चला जाता है, फिर कमाता है। दो चार बेटे हो तो पूरी जिंदगी वही काम करेगा, इसलिए आदमी टेंशन में, परेशानी में बेटियों को ना पसंद कर रहा है। इसलिए आप लोगों में ऐसा सदाचार आना चाहिए कि भाई बेटी हमारी, बेटा तेरा, लो यज्ञ करेंगे और यज्ञ में फेरे दिलवा देंगे, हो गया काम। क्योंकि फेरे के सिवाय तो कोई धर्म है ही नहीं। धन संपत्ति ये तो सब ऊपर का काम है। जो 20 लाख दहेज देते हैं, फेरे तो उनको भी लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि बिना फेरे के कैसे पत्नी बनेगी। इसलिए आवश्यकता कम होनी चाहिए। बेटियों को खूब जन्म मिलेगा, बेटियां खूब जन्म लेके आएंगी। आज देखिए, माता अदिति अपने पुत्रों के लिए उपाय सूझ रही है। पति ने कहा, देवी फागुन महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी आएगी, उसमें तुम निर्जल निराहार पयो व्रत करो। उस व्रत से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो व्रत सफल हो गया, तुमने नियम पूरे कर लिए, तो 24 घंटे में तुम्हारे भगवान पधारेंगे और तुम्हारी मन इच्छा फल प्रदान करेंगे। ये भागवत में जो व्रत बताया है, अगर ये व्रत आप करेंगे तो मैं ना नहीं बोलूंगा, बाकी मैं सारे व्रतों के खिलाफ हूं, क्योंकि भागवत किसी व्रत को मंजूरी नहीं देती है। भागवत उसी व्रत को मंजूरी देती है जिस व्रत में विज्ञान है, साइंस है, थ्योरी है, सिद्धांत है। फागुन का महीना आया, एकादशी की तिथि आई, शुक्ल पक्ष चंद्रमा आकाश में रोशनी कर रहा है। आज चंद्रमा के शीतल सुगंध को लेते हुए अदिति माता ने दसवीं की रात्रि को 12 बजे मल मूत्र से निवृत्त होकर कोरे कपड़े पहनकर कोरे आसन पर बैठ करके पूर्व की ओर मुंह कर लिया और भगवान के विष्णु के नाम का जाप करने लगी। महाराज, इसको कहते हैं व्रत करना। जिस दिन व्रत करना हो उस दिन उसी देवता का दिन भर जाप करना चाहिए, तो व्रत का फल मिलता है। अगर जाप नहीं है तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। आप बताओ, आप बहुत सारी बहनें सोमवार का व्रत करती हैं, बहुत सारी गुरुवार का करती हैं, बहुत सारी एकादशी का करती हैं, हैं? तुम सब लोग हृदय पे हाथ रख के सही सही बताओ कि तुम सोमवार को व्रत करने वाली कितनी देर तक ओम नमः शिवाय बोलती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि तुम क्षण भर भी दो शब्द भी बोलते होंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 12 बजते ही दोपहर के, तब तक तो उबाल के आलू आ जाते हैं खाने को, हैं? और ज्यादा ही काम में बिजी रहे तो 1 बज जाएगा, 1 बजे तो साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो जाती है। अब बताओ तुम्हें काय का फल मिलेगा, हैं? फल उनको मिलता है जो भोग त्याग देते हैं। जो भोग का त्याग नहीं करते उनको योग कभी नहीं हो सकता है।
और जिनको प्रभु का योग चाहिए उन्हें भोग का त्याग करना है। व्रत चाहे महीने में एक ही करो, चाहे साल में एक कर लो, पर जरा खाने पीने का काम धंधे का त्याग करके एक आसन पर बैठकर व्रत करना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन आसन नहीं छोड़ना। चलो 12 घंटे का कर लो, 24 घंटे का कठिन है तो। सूर्य उदय हो, सूर्य का दर्शन करो और व्रत चालू कर दो, और जब सूर्य अस्त हो जाए तो व्रत समाप्त कर दो, ये भी ठीक है। 24 घंटे का ज्यादा है तो 12 घंटे का कर लो। और देखिए, शरीर जब वर्किंग करता है तो ही उसे खाना पीना चाहिए। अगर शरीर काम कर नहीं रहा तो इसे खिला के बेईमान मत बना। है? हमने कोई व्रत किया है, हर व्रत का फल मिलेगा, पर उसे नियम से करो, उस देवता का ध्यान करो, जप करो। कोई भी व्रत कर लो आप, जो आपको लगे वो करो। हर व्रत में सुख है, हर व्रत में फल है, पर नियम पूरे करिए ना। आसन मत छोड़िए। व्रत का नियम है कि जब व्रत शुरू हो गया तो पेशाब के लिए भी नहीं जाना चाहिए, इतना होना चाहिए कठिन। आसन नहीं छोड़ना। आप लोग कैसा व्रत करते हैं? व्रत करेंगे, काम भी करेंगे, झाड़ू बुहारी रोटी कपड़ा भम्मड़ झुम्मड़ जो भी काम रोज का रहता है वो भी चालू रहता है और व्रत भी चलता रहता है। ऐसे कैसे चलेगा बताऊं? ऐसे कैसे व्रत हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि व्रत आदि पाखंड नहीं करना चाहिए, अज्ञान नहीं करना चाहिए। निरंतर नियम से भोजन करो और भगवान का भजन करो, जप करो। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए एक वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपये, 5 गोमाता का 51,000 रुपये, 11 गोमाता का 1,11,000 रुपये धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपये की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपये देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स। हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202, +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है श्री इंद्रदेवजी महाराज@gmail.com।